नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर मचा बवाल थम नहीं रहा। जहां एक तरफ स्कूलों में हिजाब पहनकर ना आने को कहा गया है, तो वहीं कुछ छात्राएं अब भी हिजाब के साथ ही स्कूल जा रही हैं। ऐसे में ये विवाद बना हुआ है। इस बीच अब कर्नाटक सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों में परीक्षाओं के दौरान भी हिजाब पर रोक लगा दी है। हिजाब को लेकर छिड़े विवाद के बीच राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सोमवार से शुरू होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आना जरूरी है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को वही यूनिफॉर्म पहननी होगी जो सरकार ने तय की है। प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स उन स्कूलों के प्रशासन की तरफ से निर्धारित ड्रेस पहनेंगे। ये नियम सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद क्लासरूम में हिजाब को लेकर भ्रम की स्थिति बनने के बाद सरकार को ये सर्कुलर जारी करना पड़ा है। कई टीचर इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि प्राइवेट स्कूलों में होने वाली परीक्षाओं में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की छूट दी जाए या नहीं। विपक्षी राजनीतिक दल भी हिजाब की तरह के दुपट्टे की छूट की मांग कर रहे थे। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने हाल ही में कहा था कि स्कूल के अंदर छात्राओं को यूनिफॉर्म के रंग का दुपट्टा पहनने की इजाज़त दी जानी चाहिए। मुस्लिम लड़कियां दुपट्टे से अपना सिर ढकती हैं, तो इसमें क्या गलत है। इसके बाद कर्नाटक के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के अंडर सेक्रेटरी वी श्रीनिवास मूर्ति के दस्तखत से शुक्रवार को सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया। इसमें सरकार के 5 फरवरी के पिछले आदेश का भी जिक्र है, जिसमें स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।